आज का वीडियो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा सब्जियों और फल को लेके बहुत हाउ टू यूज़ देम एंड हाउ टू सैनिटाइज देम। हम लोग पहले भी मार्केट से चीज़ें लाते थे और वॉश करके ही रखते थे, बट क्योंकि अब वायरस की वजह से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ उसको हैंडल करना पड़ रहा है। मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी जैसे मैं सैनिटाइज करती हूँ चीज़ों को। आई होप आपके लिए कुछ ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स जो नए हैं मेरे चैनल पे टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। आपको जब मॉर्निंग में दूध का पैकेट मिलता है आप तुरंत उसको लाके सिंक में डाल दीजिए। ल्यूक वार्म वाटर से एक बड़ा सा बोल को भरिए, उसमें थोड़ा सा ड्रॉप कोई भी लिक्विड सोप का डाल दीजिए और थोड़ा सा सॉल्ट एंड सोडा, खाने वाला सोडा डाल के पैकेट को उसमें डाल दीजिए। 10 मिनट तक उसमें रखिए, उसके बाद अच्छे साफ पानी से धोइए और तब बॉईल करने रखिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ और थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये दोनों पैकेट्स आप जो हैं इसमें डाल दीजिए। 10 मिनट तक इसमें डले रहने दीजिए। ये आप देख रहे हैं, ये ग्रोसरी मैंने मंगवाई है, इसको मैं कैसे सैनिटाइज करके और फिर मैं कबर्ड में रखूंगी। ये एक बोल लिया है मैंने और इसमें एक चम्मच मैं डिश वॉश डाल रही हूँ, या आप हैंड वॉश भी डाल सकते हो, कोई भी सोप डाल सकते हो। एंड हॉट वाटर में इसको ये देखिए मैंने इसको डिसॉल्व कर लिया है। अब मैं स्कॉच ब्राइट की मदद से सारे पैकेट्स को क्लीन करूंगी। सोप लगाने के बाद इसको प्रॉपरली रगड़ के और आप इसको वॉश कर लीजिए और बास्केट में रखते जाइए सूखने के लिए। आपको अपने हेल्थ के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा। आजकल जो इतना वायरस की वजह से प्रॉब्लम्स हैं। अब ये जो ये सूजी और मैदा के पैकेट हैं इनको मैं हल्का सा क्लीन करूंगी और वॉश कर दूंगी, क्योंकि ये सील्ड है, पानी जाने का इसमें कोई डर नहीं है, तो आप इसको क्लीन करके और रख सकते हैं। बिकॉज हैंडलिंग देखिए किस हाथों से हुई है आपको नहीं पता है, तो इट इज बेटर कि आप उसको प्रॉपरली क्लीन करके और रख लें। ये जो सोप बॉक्स है इसको मैं ओपन करूंगी और सोप्स निकाल के बाहर करके और ये डस्टबिन में जाएगा। इसको भी कोई डाउट ना रहे एक बार आप गिव अ स्मॉल क्लीन अप विथ योर हैंड एंड जस्ट वॉश इट। नाउ व्हेन वी कम टू बिस्किट पैकेट्स आई जनरली प्रेफर टू क्लीन देम ऑल्सो। थोड़ा सा सोप लीजिए, जस्ट क्लीन द पैकेट पीस ऑफ क्लॉथ जस्ट ड्राई देम क्विकली। अब मैं आप
आपको बताऊंगी कि वेजिटेबल्स को कैसे वॉश करें। वेजिटेबल और फ्रूट्स को आप जैसे ही मार्केट से लाते हैं उसको ला के तुरंत सिंक में डाल दीजिए और एक बड़े से कंटेनर में आप सिर्फ सोडा एंड सॉल्ट दोनों डाल के वार्म वाटर से उसको भर के और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डाल दीजिए। लीव इट फॉर 1 आवर एंड देन वॉश इट विथ रनिंग वाटर। दे आर कम्प्लीटली सेफ टू ईट। डोंट एवर यूज डिश ड्रॉप और सोप फॉर योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल्स को डालने के बाद वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली एंड आफ्टर 1 आवर इसको निकाल के साफ पानी से धो के और इसको ड्राई करके हम स्टोर करेंगे।